हेलो स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद सरवर एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर सरवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन और उसमें भी फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना, कैसे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में किसी भी फ्रैक्शंस को लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें कुछ फ्रैक्शन दिए गए हैं, इन फ्रैक्शन को हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जब भी हमें कोई फ्रैक्शंस दिए गए होते हैं उन्हें हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना होता है, तो सबसे पहले हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर क्या एक जैसे हैं या डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि सभी के जो न्यूमरेटर हैं वो सेम हैं। जब सभी के फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम होते हैं तो हमारी स्ट्रेटजी अलग होती है। तो हम कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हैं, उसमें हम ये चेक करते हैं कि जो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होता है क्या। जिस फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सबसे छोटा बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा कहलाएगा। यानी कि अब इसे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा फ्रैक्शन सबसे पहले लिखा जाता है, तो 5/14 सबसे छोटा होगा, तो 5/14 को हम सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। तो ये सबसे छोटा हो गया। अब इसके बाद इससे नेक्स्ट नंबर आता है, तो 5/13 इससे बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर हम 5/13 लिखेंगे। नेक्स्ट जो नंबर आएगा इससे बड़ा नंबर कौन सा है, हमारे पास 5/9 है, तो ये लिख देंगे हम 5/9 है। इससे ग्रेटर नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा 5/8 हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 5/8। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा कहलाएगा, जिसका फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा, 5/6। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी को लिखने के लिए और सिंपल है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम असेंडिंग ऑर्डर में किसी को लिख लेते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसी का रिवर्स रूल अप्लाई कर लेंगे। यानी कि जो नंबर सबसे बाद में लिखा गया है वो सबसे पहले लिख देंगे और जो सबसे पहले लिखा है वो सबसे बाद में चला जाएगा, और ये साइन हमारा उल्टा हो जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन साइन उल्टा हो जाएगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमारा 5/6 जो सबसे बड़ा था वो सबसे पहले लिखा जाएगा और ग्रेटर देन साइन इस साइड में लिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट पर कौन सा आता है, 5/8 आता है और ग्रेटर देन साइन इस साइड में मूव हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 5/9 और ग्रेटर देन साइन इस साइड में मूव हो जाएगा। नेक्स्ट वन 5/13 और ग्रेटर देन साइन इस साइड में मूव हो जाएगा। लास्ट वन हम लिखेंगे 5/14 और इस तरह से ये हम किसी भी नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। ये कंडीशन हमारा है एग्जाम फर्स्ट, जब सभी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। इस एग्जांपल में हमें दिया गया है जो फ्रैक्शंस हैं उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। तो इस टाइप के सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी फ्रैक्शन दिए गए होते हैं उनके सारे डिनोमिनेटर का हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो इन सारे डिनोमिनेटर को पहले लिख लेंगे। पहला डिनोमिनेटर है हम 3, नेक्स्ट 4, देन 8 और लास्ट वन है 6। इनका हम निकालेंगे एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले इस दिए गए नंबर में हम क्या करते हैं, हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इस सम में किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल आपको देखना हो तो उसका अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसे लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसमें डिवाइड करते हैं, 3 में डिवाइड नहीं होगा तो 3 एज इट इज लिखा जाएगा। 2 का 4 में डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 का 8 में डिवाइड होगा, 2 4 ज़ा 8, और 2 का 6 में डिवाइड, 2 3 ज़ा 6। अब अगेन इसमें 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि इसमें फिर से डिवाइड हो जाएगा। 3 में डिवाइड नहीं होगा, 3 एज इट इज, 2 में डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 का 4 में डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4, और 3 में डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज, ठीक है। अब 2 से फिर से, क्योंकि एक और रह गया यहाँ पर 2, इसमें डिवाइड हो जाएगा, जिसमें डिवाइड नहीं होगा वो एज इट इज लिख जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 3 एज इट इज। लास्ट में क्या बचता है हमारे पास, 3, तो 3 का इसमें डिवाइड कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 1 1 और 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास जो एलसीएम आया है, एलसीएम इसे हम लिख देंगे यहाँ पर। एलसीएम में जो नंबर हमारे इधर वाले आते हैं इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 3। अब यहाँ पर एलसीएम निकाल लिए, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 और 4 6 ज़ा 24। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा जो एलसीएम आया 24 आया। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, हम इस एलसीएम को इनके नीचे पूरे के कॉमन डिनोमिनेटर के नीचे लिख देते हैं, एक कॉमन बना के। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए हमारा स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा इस 3 का 24 में डिवाइड करेंगे,
ठीक है। और जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे हम, यानी कि 3 का 24 में डिवाइड किया, चाहे तो आप अलग से भी डिवाइड कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 3 8 24, 8 टाइम डिवाइड हुआ। अब मल्टीप्लाई करके जो इसका न्यूमरेटर है उसको लिख दीजिए, ठीक है। 3 फिर नेक्स्ट कॉमा लगा दिए, नेक्स्ट वे में डिवाइड होगा 4 का 24 में, ठीक है। कितने टाइम डिवाइड होगा, 6 24, मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला न्यूमरेटर लिख दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट सेम प्रोसेस में अप्लाई करेंगे, 8 का 24 में डिवाइड करेंगे, 8 3 24, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके जो न्यूमरेटर है उसे लिख देंगे 7, और लास्ट में 6 का 24 में डिवाइड करेंगे, 6 4 24, और मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर का 5 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस हम करेंगे। अब सेम जो भी हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया है इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 2 16, नेक्स्ट कॉमा 6 1 6, नेक्स्ट 3 7 21, और लास्ट में 4 5 20, ठीक है। और इसका कॉमन डिनोमिनेटर 24। अब यहाँ पर ध्यान से देने वाली बात है कि जो हमारा नंबर सबसे छोटा आया है उसके सेम पोजीशन पे जो ऊपर को फ्रैक्शन है वो सबसे छोटा होगा। अगर नंबर यहाँ पर छोटा है तो वो नंबर सबसे फ्रैक्शन सबसे छोटा आएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 सबसे छोटा नंबर है, तो इसके सेकंड पोजीशन पे कौन सा फ्रैक्शन है, 1/4, तो 1/4 सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 6 से बड़ा नंबर कौन सा है, 16, तो 16 फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन में कौन सा फ्रैक्शन है, 2/3, तो 2/3 इससे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट पे कौन सा है, 20, 29 के लास्ट डिजिट पे, तो लास्ट पे कौन सा फ्रैक्शन है, 5/6, तो 5/6 नेक्स्ट डिजिट पे हो जाएगा। और सबसे लास्ट में कौन सा है, 21, तो 21 कौन सा पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पर, 7/8 हमारा लास्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हमारा ये लिख गया, इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन पहले लिख देंगे, 7/8 पहले लिख जाएगा, देन ग्रेटर देन साइन इधर लग जाएगा, देन उल्टा लिख देंगे, 5/6 सेकेंड वाला ग्रेटर देन साइन, देन 2/3 ग्रेटर देन साइन, और लास्ट में 1/4 सबसे बाद में। तो ग्रेटर देन डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर पहले और सबसे छोटा नंबर बाद में लिखा जाता है, ठीक है। और असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर पहले और सबसे बड़ा नंबर बाद में लिखा जाता है। तो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शंस का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इजीली कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, और आपको कुछ क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर भी आप लिंक में ज्वाइन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और हम नए वीडियो में इससे आगे का टॉपिक कवर करेंगे।